Hello students, welcome my YouTube channel Suditi Edu Talk Channels. Myself Anil Kumar Singh from Suditi Global Academy Ottawa. Today we discuss the third lecture on relation and function. In this topic, type of function. First type, one-one or injective or monomorphic function or mapping. Function को mapping भी बोलते हैं, ये तो clear है पहले से ही. Second, many-one function or mapping. Third, onto function or surjective. Onto को surjective भी बोल सकते हैं. Fourth, into function or into mapping. Fifth, bijective mapping or bijective function. Let us discuss first type of function, one-one mapping. Or one-one function. This is the one-one mapping or one-one function. Injective भी बोलते हैं, monomorphic भी बोल सकते हैं. Let f of a to b. आप जानते हो कि function को इस तरह denote किया जाता है. B a function. सपोज कर लिया मैंने ये फंक्शन है और आप इस सिंबल के मत का मतलब भी आप जानते हो कि ये सेट ए डोमेन होगा, सेट बी को डोमेन हो जाएगा. इज सेट टू बी अ फंक्शन देन इट इज सेट टू बी वन वन इफ different element of set A has different images in set B. अब अगर आपका डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज अगर सेट बी में हो तो इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू, सेट ए इज इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू सपोज कर लो 3 4 5 6 7 8. अब इसको आप वन वन डिनोट करेंगे. वन वन एक्सप्लेन करने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज करेंगे. ये सपोज कर लो सेट ए है और ये सपोज कर लो सेट बी है और ये फंक्शन एफ से रिलेटेड है. ये फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेकेंड में है 3 4 5 6 7. अगर 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 5 से हो, 3 का रिलेशन 6 से हो और 4 का रिलेशन 7 से हो, तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट का इमेज एक ही है और इसका एक एक से रिलेटेड है, तो इस तरह के फंक्शन को आप 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं. देन एफ इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन. अब इसके नंबर ऑफ फंक्शन निकालना हो, अगर आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए नंबर ऑफ फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए. इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ फंक्शन की बात करते हैं. नंबर ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला है, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन एलिमेंट्स इन f of a to b, then the number is n to the power m. Number of function yani n to the power m, ye ho jata hai number of total number of function ka formula. ab aapko dusra jo present topic hai number of one one function ki baat karenge. Agar aap number of वन वन फंक्शन, तो इसका फार्मूला हो जाता है एन पी एम व्हेन एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड जीरो व्हेन एन लेस देन एम. एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और एम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. तो
तो ये फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के बाद मेथड टू चेक वन वन। अब वन वन है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, बहुत सारे मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है एनालिटिकली, एनालिटिकली कैसे चेक करेंगे, इसका मेथड होता है इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, दिस इंप्लाई एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, देन एफ इज वन वन, देन एफ ऑफ एक्स बी वन वन, वन वन चेक करने का ये फार्मूला है। एनालिटिकली मेथड से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका चेक करेंगे ये वन वन है या नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल मान लो चेक करना है मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप देखेंगे फार्मूला अप्लाई कीजिए इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स वन के प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। अब नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस माइनस एक्स टू हो जाएगा, इसका मतलब कि ये हुआ कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो ये वन वन नहीं हो सकता। और ये सेकेंड फार्मूला है, इसमें भी यही सेकेंड क्वेश्चन में यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया तो एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वन वन। आपको पता है कि जब भी इवन पावर हो, इवन डिग्री हो, तो उसका स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन जब ऑड डिग्री हो तो उसका इसको क्यूब रूट या फिफ्थ रूट जो भी होगा वो केवल एक ही सिंगल एक ही साइन होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस, जो गिवन रहेगा वही हो सकता है। इसलिए वन की वन वैल्यू निकलेगी तो वन वन फंक्शन होगा, और वन की मोर देन वन वैल्यूज अगर आती है तो वन वन फंक्शन नहीं होगा, इसको मेनी वन फंक्शन भी कह सकते हैं। नाउ ग्राफिकली टू चेक वेदर वन वन आर नॉट, अब इसी क्वेश्चन को आप ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड टू चेक वन वन ग्राफिकली, ग्राफिकली अगर चेक करें आप सपोज करो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है अलाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच कट्स द ग्राफ विच कट्स द ग्राफ अ यूनिक पॉइंट अ यूनिक पॉइंट देन इट इज वन वन इट इज वन वन। ठीक है, अगर कोई ग्राफ हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करे और वो उस गिवन ग्राफ को यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो यह वन वन है, अगर वन वन से ज्यादा मोर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वन वन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या तो एक्स स्क्वायर ले लीजिए और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है इस तरह का होता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा टू मोर देन वन पॉइंट, यानी कि नॉट वन वन होगा। और एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओनली वन पॉइंट मिलेगा, तो ये वन वन हो जाएगा। तो आपको पता हो गया ग्राफिकली कैसे चेक कर लें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और भी। आप साइन का ग्राफ सबको पता है, साइन का ग्राफ थर्ड एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अब मैंने साइन एक्स का ग्राफ पूरा नहीं ड्रा करूंगा, केवल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में ही ड्रा करूंगा, पूरे में नहीं ड्रा करूंगा, तो ये फिगर आपका कैसे होगा।
आपको पता है किस तरह का फिगर होता है, लेकिन मैं अब इसके आगे ये फिगर ड्रॉ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन गिवन है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, तो साइन का इतना ही ग्राफ होगा। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? ओनली वन पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका वन वन। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे कर दे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तब आप इसका कैसा फिगर ड्रॉ करेंगे? अब आप इसका ऐसा फिगर ड्रॉ करेंगे ऑल रियल नंबर में, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो इस केस में ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये होगा नॉट वन वन। तो आप वन वन और मेनी वन फंक्शन, सॉरी वन वन फंक्शन क्लियर कर लिए। अब आपको सेकेंड टाइप का फंक्शन बताएंगे, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, सेकेंड मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन आर मैपिंग इफ एफ ऑफ ए टू बी बी ए फंक्शन, सपोज कर लिया मैंने एफ ऑफ ए टू बी बी ए फंक्शन एंड टू और मोर देन टू, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ बी, टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, देन एफ इज कॉल्ड मेनी वन। एफ क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इमेज हो किसके, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इन दिस केस फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव मेथड, लेट ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप डिस्क्रिप्शन डायग्राम ड्रा कर लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये और एफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वन टू थ्री है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स है। तो आप देखेंगे कि ये जो थ्री है, टू और थ्री ए के, टू और थ्री दोनों के इमेज है। तो ये एक से दो या दो से ज्यादा का इमेज जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन बोल हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन की बात करते हैं। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन अभी मैंने सबसे आपको डिस्कस किया था नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन वो होगा जो वन वन नहीं होगा, वो मेनी वन हो जाएगा। आप नोट में इसको लिख भी सकते हैं, द फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। अब आप नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला समझ चुके हैं एन पावर एम, और नंबर ऑफ वन वन का फार्मूला मैंने डिस्कस किया था एन पी एम, तो उसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मेनी वन का फार्मूला हो जाएगा एन पावर एम। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और इसमें से आप एन पी एम को माइनस कर देंगे व्हेन
एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम हो जाएगा, और ये जीरो था तो एन पावर एम माइनस जीरो कर देंगे व्हेन एन लेस देन एम हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। अब मेथड टू चेक मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन चेक करने का मेथड कोई अलग से नहीं होता है, वन वन फंक्शन चेक कीजिए, अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मेनी वन हो जाएगा। मेथड टू चेक मेनी वन, मेनी वन फर्स्ट मेथड एनालिटिकली इफ f of x1 is equals to f of x2, this imply x1 is not equal to x2, in this case function is many one function। आपको पहले से मैंने बता दिया कि one one जो नहीं होता है वही many one हो जाता है, तो इसका example आप खुद से अभी check कर सकते हैं। if f of x is equal to suppose कर लो x to the power 4 suppose कर लिया मैंने, तो आप देखेंगे कि if suppose कर लेना, example तो है ही यही है। if x f of x1 is equals to f of x2, तो इस केस में x1 power 4 is equal to x2 power 4 हो जाएगा, तो आप देखेंगे x1 is not x1 is equal to plus minus x2, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, many one more than two value, two or more than values आ जाएंगे, तो इस केस में ये होगा many one function। graphically भी आपको मैंने बताया था, बहुत सारे examples हैं। ग्राफिकली मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, वन वन में बताया था मैंने, तो ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो वन वन होगा, लेकिन अगर मोर देन वन पॉइंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि द फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉस एक्स का फिगर आपको पता है, ये इस तरह का होता है, ये ओरिजिन है, तो आप इसको लाइन ड्रा करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, तो इस केस में ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। तो ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन। तो आपने वन वन और मेनी वन फंक्शन ड्रा कर लिया, और मेथड टू चेक भी इसका डिस्कस कर लिया। अब आप डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, अनटू फंक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन ऑन टू और सब्जेक्टिव, लेट एफ ऑफ ए टू बी बी अ फंक्शन, देन ईच एलिमेंट ऑफ बी has at least one image in set A. Let f of A to B be a function, then each element of set B, यानी set B के सभी element इंगेज होने चाहिए, has at least one image in set A, then f is called onto function, onto function। For example, descriptive method, by descriptive method, let a is equals to suppose कर लो 1, 2, 3, 4, 5, और b की value suppose कर लो a b c, तो आप देखेंगे ये set a हो गया और यहाँ पर set b हो गया। set a का थोड़ा सा बड़ा सा symbol बनाएंगे, और ये 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ ए बी सी है। अब ये एफ से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि ये इमेज इसका ए हो गया, टू का भी हो सकता है कि ए हो जाए, ये भी इसका हो गया, ये भी बी इसका बी हो गया, और ये ए हो गया। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि एक से ज्यादा का भी इमेज हो सकता है, तो इस केस में ये अनटू फंक्शन है। अनटू फंक्शन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कोई ना कोई इमेज ना हो।
यानी सब एलिमेंट इंगेज हो, तो इस केस में ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, इसके भी नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। ऑन टू फंक्शन में एक और बात है, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या तो कम होगा, तभी ऑन टू पॉसिबल है, अदरवाइज ऑन टू पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन, ये दो तरह के सेट लिया मैंने, एम ए में एम एलिमेंट और बी में एन एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फार्मूला हो जाता है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू द पावर एन माइनस आर इंटू एन सी एन माइनस आर इंटू आर पावर एम। ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन एन लेस देन एम, ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन लेस देन एम, एंड एन फैक्टोरियल ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू एम, और फिर ये जीरो हो जाएगा, ये फार्मूला तब अप्लाई होगा व्हेन एन ग्रेटर देन एम। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हम मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन, मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन, मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन कैसे, किस मेथड से चेक करेंगे फंक्शन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ एक्स होगा, अगर रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में ऑन टू फंक्शन होगा। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड रेंज and decide to onto। अब ये देखेंगे कि वो onto होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही केवल मेथड है, इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ onto फंक्शन, एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज कर लिया जाए एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, एक्स की वैल्यू कितना है माइनस वन से वन है, तो इस केस में देखते हैं कि, और को डोमेन ऐसे भी दिया रहेगा, एंड ये जो होगा वो तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन टू वन, ये तो डोमेन डिसाइड डिनोट कर रहा है, और रेंज हो जाएगा आपका जीरो टू वन, सॉरी ये को डोमेन है, अगर ये को डोमेन दिया है, ये जो डोमेन दिया है और ये को डोमेन दिया है, तो इसका रेंज निकालेंगे हम लोग, और ये रेंज अगर जीरो टू वन आता है तो को डोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो इसका डोमेन हो गया, क्लियर हो गया। आप कैसे पहचानेंगे, कुछ क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, आप पहचानेंगे कि इसका डोमेन कितना है, तो यहां पर है माइनस वन टू वन, इसका को डोमेन कितना है वाई बिलोंग्स टू, कहते हैं को डोमेन, को डोमेन को ही को डोमेन कहिए, वाई बिलोंग्स टू रेंज हो जाएगा, को डोमेन है आपका जीरो टू वन, अब आप इसका रेंज निकालिए, और रेंज इसके इक्वल अगर आ गया तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। चेक करते हैं, सपोज कैसे चेक करते हैं,
y इज इक्वल्स टू, ये y लेट कर लेते हैं, fx की वैल्यू, y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई। अब आप देखेंगे कि ये जो अंडर रूट की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी कि y की वैल्यू कितना है, जीरो से बड़ी है, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो गया। अब x की कितनी वैल्यू है, माइनस वन टू वन, फॉर x बिलोंग्स टू, x की ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी वैल्यू माइनस वन रख सकते हैं और बड़ी से बड़ी क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं। अगर वही वैल्यू इसमें पुट किया जाए इस इक्वेशन में, तो आप y की वैल्यू क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू वन मिल जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि y की वैल्यू जीरो से वन है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये रेंज दिख रहा है। तो इस रेंज वाले केस में रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये अनटू फंक्शन है, दैट इज अनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये अनटू फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया। फिर इनटू फंक्शन, नाउ फोर्थ इनटू फंक्शन, लेट एफ ऑफ ए टू बी बी ए फंक्शन, सपोज कर लिया एफ ऑफ ए टू बी ए फंक्शन वेर ए इज डोमेन एंड बी बी को डोमेन, देन देन एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, बी का कम से कम एक एलिमेंट, विच इज नॉट द इमेज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। B का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जो A के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो इस केस में ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से डिस्क्रिप्टिव मेथड से देखेंगे, लेट A इज इक्वल टू सपोज कर लो 1 2 3, B की वैल्यू सपोज कर लो 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये सेट A हो गया, यहाँ सेट B हो गया, ये A है B है और ये F से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1 2 3 है, ये 2 3 4 5 है, तो ये इसका इमेज हो गया, ये इसका इमेज हो गया, ये इसका इमेज हो गया। तो ये 5 एलिमेंट ऐसा है जो इसमें किसी का इमेज नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन, इसकी वजह से इनटू फंक्शन हो गया। तो इनटू फंक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद मेथड टू चेक इनटू फंक्शन, कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, या ऐसा भी बोल दीजिए रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, अगर सबसेट होगा तो भी कह सकते हैं कोडोमेन, और ये इक्वल नहीं होगा। ये इस वाले केस में क्या होता है, कभी कभी कोडोमेन से बाहर चला जाता है रेंज, तो बाहर चला जाता है तो उसको उसमें से नेग्लेक्ट कर देते हैं और वही पोर्शन यूज करेंगे जो डिफाइन है, तो जो डिफाइन होता है वो क्या है, कोडोमेन डिफाइन होता है, उसी का पार्ट लेते हैं। तो दोनों तरह से सही कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनटू फंक्शन। इसके लिए भी एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सपोज कर लो
एक्स स्क्वायर सपोज कर लिया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सपोज कर लिया, और ये फंक्शन हो गया है आपका एफ ऑफ आर टू आर। तो इसको चेक करेंगे ये इनटू है या अनटू है। तो कैसे चेक करेंगे, दो मेथड्स है, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं या उसके वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं। लेट कर लीजिए, इसके पहले डोमेन क्या है आपने नोट किया, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका कोर डोमेन कितना है, ये भी है ऑल रियल नंबर। यहां देख लीजिए ये कोर डोमेन होता है और ये डोमेन होता है। अब इसका रेंज निकालने के लिए वाई की वाई सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर को, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा। तो ये वाई रूट की वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। तो आप कह सकते हैं वाई बिलोंग्स टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। तो वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब वाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो टू इन्फिनिटी होगी। तो क्या आपने देखा कि ये रेंज, ये जो रेंज आया है, ये रेंज और ये कोडोमेन इक्वल है, दैट इज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इन दिस केस फंक्शन इज इनटू फंक्शन या इनटू मैपिंग। तो ये हो गया इनटू फंक्शन। उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन फिफ्थ। बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन द फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव व्हेन इट इज वन वन एज वेल एज as well as onto, then it is, तो ये हो गया onto, तो ये क्लियर हो गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि वो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और onto हो, तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले इसके हम डिस्क्रिप्टिव मेथड देखें, हम लेट कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए क्या जरूरी है कि इसके लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ को डोमेन में होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन होना चाहिए। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। सपोज कर लो लेट ए इज इक्वल्स टू वन वन टू थ्री और बी की वैल्यू सपोज कर लो फोर फाइव सिक्स, मैंने सपोज कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये वन टू थ्री है और यहाँ पर क्या है फोर फाइव सिक्स है। तो वन का लेट सेट ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री, सेट बी इज इक्वल्स टू फोर फाइव सिक्स, देन सेट ए एंड सेट बी और ये दोनों रिलेटेड है कोई रिलेशन एफ से। तो आप देखेंगे कि वन का इमेज फोर है, टू का इमेज फाइव है और थ्री का इमेज सिक्स है। तो आप यहाँ पर वन वन को चेक करेंगे तो वन वन दिख रहा है, क्योंकि वन एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज है, और दूसरा ये ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि वन वन एंड टू फंक्शन है। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम एलिमेंट्स
एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू भी एम ही एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि सेट ए और सेट बी में दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू हो बाइजेक्टिव का फार्मूला हो जाएगा, बाइजेक्टिव का फार्मूला हो जाएगा एम फैक्टोरियल, क्योंकि अगर इक्वल एलिमेंट होते हैं तो एम फैक्टोरियल एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इस पर भी कोई एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कोई एक एग्जांपल मान लो, फर्स्ट एग्जांपल है, लेट एग्जांपल देखते हैं, नोट करके लाए हैं एग्जांपल। लेट f ऑफ n टू n बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई बाई वेर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई 2 वेर x बिलोंग्स टू n एन ऑड odd number and x by 2 where x belongs to n even number। अब इसको चेक करें कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें फंक्शन इसमें कौन सी वैल्यू रख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर के केवल odd वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक ना। तो दो केस ले लीजिए, इफ x belongs to n odd number, ऑड नंबर लेंगे अगर आप, तो इसमें क्या होगा, एफ ऑफ ऑड नंबर में 1 होगा, ऑड नंबर में 3 होगा, ऑड नंबर में 4 होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स प्लस 1 ऑड नंबर में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 1, और ये 3 वाले में 3 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 3। अब दूसरा केस है, सेकंड केस, इफ एक्स बिलोंग टू एन इवन नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ टू एफ फोर एफ सिक्स, तो इसको ये वाला वैल्यू लेंगे 2 बाई 2 1, फिर क्या मिलेगा 4 बाई 2 2, 6 बाई 2 3। तो आपने देखा कि टोटल केसेस में 1 2 3 4 आ गया, यानी कि आपका दो दो सेट था, दोनों ही सेट में आपने 1 2 3 4 5 रखा तब भी 1 2 3 आ गया, और 2 4 5 रख गया तब भी 1 2 3, यानी कि इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 नंबर्स है, ये n था और ये भी क्या था, n ही था, ये भी 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो 1 का इमेज क्या आया था इसमें, 1 का इमेज 1 आया था, 2 3 का इमेज क्या आया था, 2 आया था, 3 का इमेज 2 आया था, 5 का इमेज क्या आया है, 3 आया है, 5 का इमेज 3 आया है। और अगर आप देखेंगे कि ये 2 का इमेज कितना आ गया, 2 का इमेज आपका क्या आ गया है, 1 आ गया है, और फिर 4 का इमेज क्या है, 2 है, फिर 6 का इमेज क्या है, 3 है, 6 का इमेज भी क्या है, 3 है। तो इस तरह देखते जा रहे हैं कि आपके सभी कंसेक्यूटिव नंबर इसमें एंगेज होते जा रहे हैं, और भी एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे जो इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, तो कोई भी एलिमेंट इसका एक्स्ट्रा नहीं रहा और इसके भी सभी एलिमेंट्स एंगेज हो गए हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं दैट इज 1 1 1 तो नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा, ये 2 का भी इमेज 1 है और 2 का 1 का भी इमेज 2 है और 2 का भी इमेज 1 है, तो ये हो जाएगा नॉट 1 1, 1 1 नहीं हो सकता, बट क्या हो जाएगा, बट ये ऑन 2 हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा, ऑन 2 फंक्शन, दैट इज नॉट ए बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये
1 1 तो नहीं था, केवल ऑन टू फंक्शन था। और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद ओवर कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, लेट ए, ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन -1 to 1 विच इज इक्वल टू बी, दो सेट है, दोनों सेट इक्वल बता दिया गया, सो दैट एफ ऑफ ए टू बी, तो इसका मतलब ए डोमेन हो गया और बी को डोमेन, पहले से भी मैंने बताया, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव, इज अ बाइजेक्टिव। अब चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास मिल गया है, कितना, एक्स मॉड ऑफ एक्स, तो इसको ब्रेक करेंगे। अगर ये मॉड ऑफ एक्स एक्स, ये एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, तो कुछ तो निगेटिव वैल्यू होगा इसमें और कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो उस केस में एक्स क्या होगा, -x होगा, और एक्स पहले से ही है, तो ये एक्स -x और एक्स दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए बट लेस देन 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता इसकी वैल्यू, तो इस केस में ये मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये वाई की वैल्यू है, दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो y इज इक्वल टू -x² का ग्राफ हो जाता है, किस तरह का, y इज इक्वल टू -x² का ग्राफ ये हो जाएगा, और y इज इक्वल टू x² का ग्राफ ये हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है। लेकिन ये कहाँ तक का ग्राफ ड्रा करना है, केवल आपको 1 तक का, ये 0 है, और ये कहाँ तक का ग्राफ ड्रा करना है, -1 तक का, क्योंकि डोमेन आपका क्या है, -1 से 1, डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 तो होगा ही, 1 1 क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 हो गया, और ये ऑन 2 होगा कि नहीं, तो इसका रेंज कितना है, इसका डोमेन कितना है, डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, और को डोमेन भी उतना ही है, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है, को डोमेन भी उतना ही है, वाई को डोमेन है आपका -1 to 1, ठीक है। अब आप इसका रेंज निकाल कर देख लीजिए, रेंज यानी कि क्या वैल्यू होगी, तो वाई की वैल्यू -x² 0 to -1 में क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगा 0 to -1 में क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, 0 to -x² में 0 to -1 to 0 होगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये हो जाएगा 0 to 1। तो ये दोनों मिक्स अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन वैल्यू, रेंज की वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 to 1, तो ये है आपका रेंज, और को डोमेन कितना आया है, ये भी आया है उतना ही, दैट इज रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, देयरफॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये रहा टाइप ऑफ फंक्शन,